दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को हिटमैन मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 का आगाज 31 मार्च से होना है। इस लीग से पहले रोहित शर्मा ने स्टार स्पोर्ट्स को दिए एक इंटरव्यू में आईपीएल के पहले सीजन से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाया है। आईपीएल 2023 के आगाज में अब बस कुछ ही दिनों का समय रह गया है। 31 मार्च से इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन की शुरुआत होनी है। इस लीग से पहले आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने स्टार स्पोर्ट्स को दिए एक इंटरव्यू में आईपीएल के पहले सीजन से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाया है। रोहित ने बताया कि पहली बार आईपीएल नीलामी में काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलने के बाद उनका रिएक्शन कैसा था। दरअसल टीम इंडिया और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने आईपीएल में पहले सीजन से ही हिस्सा लिया है। पहले सीजन के दौरान कप्तान रोहित शर्मा को हैदराबाद फ्रेंचाइजी की टीम डेक्कन चार्जर्स ने $7.5 लाख में खरीदा था, जो कि भारतीय रुपये में 4.5 करोड़ से भी ऊपर की राशि बनती है। इस सीजन को लेकर हाल ही में रोहित शर्मा ने आईपीएल 2023 में एक मजेदार किस्सा सुनाया है। उन्होंने कहा कि पहले तो मुझे मालूम ही नहीं था कि $7.5 लाख कितना होता है। ऑक्शन जैसा इवेंट हमारे लिए कभी नहीं हुआ था और न ही हमने देखा था। शर्मा ने आगे बताया, जब मुझे हैदराबाद टीम ने खरीदा तो मैं एक ही बात सोच रहा था कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, और यह मेरा प्लान था जो मैं पूरा करने का सोच रहा था। मैं उस समय केवल 20 साल का था। दोस्तों रोहित शर्मा के इस मजेदार किस्से के लिए एक लाइक तो बनता है। रोज ऐसी मजेदार अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।